तो दोस्तों, मैं हूँ आपका वीडियो के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, मतलब इस बार की जो वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा एक मेरे को अलग सी खुशी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ी। तो बताते हैं आप क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं स्कूटर की बात करूँ तो इसके अंदर ये है हीरो का माइस्ट्रो ई इलेक्ट्रिक। मतलब हीरो अपने एक स्कूटर लॉन्च कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि उसका सबसे पॉपुलर स्कूटर हीरो माइस्ट्रो के ही बॉडी में लगाया जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, फुल बॉडी स्ट्रक्चर, वो आपको माइस्ट्रो वाला ही मिलने वाला है। लेकिन इसके अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक एक मोटर मिलेगी इसके अंदर। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक 6 किलोवाट के आसपास की ही मोटर होनी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड तो काफ़ी अच्छी निकाल के देगा ही। और रही पे बात, इसके अंदर बैटरी जो लगेगी वो लगेगी लिथियम आयन की बैटरी लगेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया बैटरी रहती है। आपने देखा होगा काफ़ी हल्की भी बैटरी रहती है वो। अगर देखा जाए तो इस स्कूटर के अंदर जो हमें माइक्रो के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं, जो मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिलता है, वहाँ पर इसके अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा। वहीं पर इसके अंदर आपको फुल्ली LED लाइट्स मिलेंगी, जो कि आपकी जो बैटरी होगी उसकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, मतलब बैटरी कम खाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगी। अगर अगली चीज़ इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर आपको एक तो केल स्विच भी मिल जाएगा, और दूसरा ये आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो वो तो खैर सेल तो मिल ही जाएगा। अगला जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, जो कि अभी तक किसी भी स्कूटर के अंदर नहीं है, वो ये है कि इसके अंदर आप लोगों को बड़े ही आराम से, जैसे आपने देखा होगा और स्कूटर्स के अंदर बेल्ट ड्राइव होती है, तो इसके अंदर बेल्ट ड्राइव लगी जाएगी, जो कि काफ़ी सही बात है। यानी इसका अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको सेम, जैसे आपने देखा होगा ना और स्कूटर्स में क्या होता है कि, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है कि पीछे वाले टायर से ही पूरी मोटर जोड़ दी गई है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि बैटरी मतलब मोटर अलग लगी हुई होगी, आगे की साइड मोटर लगी होगी, और पूरा जो पीछे का एरिया है, जैसे हम बाइकों में चैन लगी होती है, वैसे सेम बेल्ट की तरह इसके अंदर जाएगी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इससे क्या होगा कि कल को जैसे अगर मान लो कोई डस्ट का पहाड़ हो गया, कुछ भी एक्सरसाइजर कोई भी चीज़ हो गई, तो वो चीज़ आपके डायरेक्ट मोटर में नहीं जाएगी, वो इतना जो चैम्बर होगा उस एरिया में जाके फंस जाएगी या खराब मतलब बचेगी। ये चीज़ थोड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसके अंदर। फ्रंट में आपको इसको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगी, और रियल में आपको इसमें सिंगल शॉकर मिलेगा, जो आपको नॉर्मली मिलता है वो शॉकर मिलेगा, कोई मोनो शॉकर सस्पेंशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मली शॉकर मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि इस बाइक का, स्कूटर का प्राइस, तो इस स्कूटर का जो प्राइस है कंपनी है, कंपनी का भी मैंने बहुत सारी जगहों पर पता करा है, तो यहाँ पे जहाँ तक आ रहा है कि इसका 1 लाख एक्सशोरूम प्राइस होने वाला है, जो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर कंपनी इसको एक्सशोरूम इसका जो है, अगर ये ऑन रोड 1 लाख के आसपास चली जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो सारे मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब पेट्रोल स्कूटर की तरफ जाएगा, इसी की तरफ ही जाएगा। और इसके अंदर आपको कुछ मोड्स मिलेंगे तो मैं बता देता हूँ। पहला जो वो होगा वो आपका इसका, देखो इसके अंदर एक तो आपको नॉर्मल मोड होगा, जैसे किल स्विच वाला सिस्टम बताया था मैंने, वैसे किल स्विच मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक मोड होगा, वो होगा आपका फ्रंट, मतलब जो आपकी स्कूटी नॉर्मली आगे जाएगी, और एक होगा बैक रिवर्स गियर। जैसे नॉर्मल आपने उसको स्विच को रिवर्स की तरफ कर दिया तो वो रिवर्स की तरफ, एक्सलेट दिया तो रिवर्स की तरफ चली जाएगी। तो खैर इसमें यही चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो अलॉय व्हील है, तो अलॉय व्हील का अगर देखा जाए कि इसका डिज़ाइन, तो अलॉय व्हील इसमें सेम वही है, लेकिन इसके अंदर अलॉय व्हील आपने देखा होगा सिल्वर कह रहा हूँ मैं, आपने गोल्डन टाइप का देखा होगा, मतलब ब्राउनिश कलर मान के चलो। थोड़ा सा वहाँ पे मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन खैर वो तो अलॉय व्हील के ऊपर तो इतनी कोई बात नहीं, वो तो आप अपना अलग से पेंट वेंट भी करा दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सोच आप लोग सामने शेयर कर दो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मैं वो ग्रो लिखने बताया खराब करो, क्योंकि हमारे साथ दिमाग नहीं खराब करने, और चैनल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।